ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ MMS ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ PGI ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਈਕ ਪੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਕਿਆ ਮਾਰਾ ਤਲਵਾਰ ਥੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਈਕ ਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। मुझे रजनी वर्मा पे शक है। रजनी रीना जी आपका काम कर दिया हमने। लड़की दे हमला उस वेले होया जो वो अपने कार तो मोबाइल रिचार्ज करवाने लई गई सी। रस्ते विच उसकी स्कूटी ने मैं स्कांड दिया 3 और दोषी लड़कियां दा अज तक कोई पता नहीं है। फिलहाल हुन पुलिस इस मामले विच कार्रवाई कर रही है। पंचकुला में महापाप, सहेलियों ने बनाया MMS, सरेआम किया चीर हरण। नई पीढ़ी का असली चेहरा इज्जत, नशे के लिए की लूटपाट, पैसे और मोबाइल छीना। विरोध किया तो बना डाला सहेलियों की बदमाश कंपनी। पंचकुला में हुआ ये महप, बीच सड़क पर अपनी ही दोस्त की इज्जत से खिलवाड़ किया। कपड़े उतार कर MMS बना डाला, ये शर्मनाक हरकत 10वीं की एक छात्रा के साथ की गई है। पूरा मामला देखने से पहले उस MMS का थोड़ा सा हिस्सा हम अपनी सहेली की इज्जत उतार रही है। ये लड़कियां बेशर्मी की सारी हदों को पार कर रही हैं और बेहिसाब गालियां दे रही हैं। पीड़ित छात्रा को कार में डालकर उस ये शर्मनाक हरकत चंडीगढ़ के एक डिस्कट MMS बनाया है। वो चारों लड़कियां BA की छात्रा हैं, चारों बतौर PG पंचकुला में रहती हैं। ये लड़कियां अक्सर डिस्को और लेट नाइट मैं भी तभी ले गई थी, मुझे बात तूने ये बात बोली, ये बात सच बता दे, तूने ये बात बोली, तू भी गई थी, तूने भी गई। पीड़ित लड़की भी पंचकुला, इसका MMS लोगों में भी बांट दिया गया, जिससे पीड़ित लड़की की बदनामी भी हो रही है और इससे इसकी ठीक है। इन्हें पता था कि मेरे पास पैसे थे, ठीक है, इन्होंने पहले मुझे मतलब कि धमकाया तो मैंने पैसे दिए नहीं, फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे पैसे लिए, जबरदस्ती मार कुटाई कर, उसके बाद बेहोश हो गई थी, फिर इन्होंने मेरा फोन वगैरह निकाला, सब कुछ किया, तो उसके बाद फिर ये मुझे ब्लैकमेल करने लगी, फिर मैंने तो स्कूल से उठवा देंगे, तो ये करवा देंगे, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बहुत ब्लैकमेल किया और अभी आज तक ये करती आती है कि अगर तूने हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करवाई तो हम तेरे को वीडियोग्राफी की गई थी, ये किस जगह पे की गई थी? सेक्टर 5 पलवी होटल की बैक साइड वहाँ पे की गई थी और वहाँ पे इन्होंने अपने फ्रेंड्स लड़के भी बुलाए थे दिखाने। ये शर्मनाक घटना 26 सितंबर को घटी। इलाका था पंचकुला का सुनसान सड़क, जब 4 छात्राओं ने मिलकर अपनी ही एक सहेली के साथ मारपीट की और लूटपाट की और फिर उसके कपड़े उतार नहीं लेके जाओ।
वो नाबालिग है, 17 साल की अभी है नहीं, 10वीं में पढ़ती है। उसने लिखवाया कि मैं 19 साल की हूँ। उसकी उम्र है डिस्को में जाने की, वो हमें डिस्को में जाते ड्रिंक भी करती है, वो अरेबिक या स्मोक में हुक्का पीती है। उसके पेरेंट्स को वो नहीं दिखता, वो अपने पेरेंट्स को नींद की गोलियां दे दे के जाती है, रात को नाइट स्टे करती है। उसका हम पीजी जानते थे, लेकिन वो यहाँ से पता नहीं कहाँ भागी, कह रही मैं दिल्ली जा रही हूँ। अब उसका स्विच ऑफ आ रहा है। और जिस लड़की ने वीडियो बनाई थी, आगे पासवर्ड कैफिल को की थी, कैफिल ने करने वाली थी, वो यहाँ पे हमारी मतलब उसका सिर्फ हम नंबर जानते हैं, अदरवाइज उसका कुछ भी नहीं जानते। एंड वो 22 सेक्टर पीजी में रहती है। सो बस अब वो इस टाइम हमें कह रही थी, उसका फोन है हमारे बारे में, हमारे घर के एड्रेस देती थी वो लड़के लड़कों को, और वो कहती थी कि यहाँ पे लड़के रहते हैं, कि ये लड़के हमारे घर के नीचे खड़ते थे, और क्या नाम हमें हॉर्न मारा। हमने उसे आराम से बात की, और वो लड़की तो वो जो हमें कह रही है हम नशे में थे, हम बिल्कुल ठीक थे, अगर हम नशे में होते ना हम कुछ भी कर सकते थे। तो हम सारे चारों फ्रेंड्स थी, हमने उसे पकड़ लिया कि तुम्हें मार क्यों रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीए में पढ़ने वाली इन चारों छात्राओं को नशे की आदत पड़ चुकी है, इनका अब कोई वास्ता नहीं है। नशे की डोज हासिल करना इनका इकलौता मकसद बन चुका है। 26 सितंबर को इन लड़कियों को इनकी नजर 10वीं की एक छात्रा पर गई, जो इनकी सहेली भी है। पीड़ित लड़की के पास 3000 रुपए थे और एक महंगा मोबाइल फोन भी उसके पास था, और उसे सफेद रंग की मारुति कार में बिठाकर घुमाने लगी। चारों सहेलियों ने पीड़ित लड़की को अचानक पीटना शुरू कर दिया। ये तू ड्रामे कर रही, कर करके छोड़ दिया हमने, तू भी मार ले दो चार, कैसा भी किया कुछ माड़ा बता, याद नहीं है। इस दरमियान चारों सहेलियों की पीड़ित लड़की से हाथापाई भी हुई, और जमकर गाली गलौज, गालियां भी ऐसी जिन्हें कोई भी सुने तो। कितनी गालियां ये लड़कियां निकाल रही थी, ये बीप की बेहिसाब आवाज बता रही है। तो चारों सहेलियों ने उसे कार से बाहर निकाल दिया और उसकी एक जेब में रखे 1000 रुपए निकाल लिए। और फिर हुआ पंचकुला में ऐसा महापाप, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब छात्राओं ने छात्रा की इज्जत उतारी। निकल रहे हैं सवाल भी ऐसे जो हमारे गिरते कल्चर और गंदी होती है।